हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू राधिया क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ वेरिएबल मास सिस्टम। क्योंकि हमने सेंटर ऑफ मास अभी तक पढ़ा था, क्या सेंटर ऑफ मास होता है ये आपको इंट्रोडक्शन में बताया, इंट्रोडक्शन टू सेंटर ऑफ मास। सेकेंड लेक्चर में आपको बताया पॉइंट मास सिस्टम के लिए। फिर थर्ड लेक्चर में आपको बताया यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर एक मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली बटा होता है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाता है। फिर आज थर्ड लेक्चर पे चल रहा हूं, ये थर्ड लेक्चर है सेंटर ऑफ मास का। बाकी सारे लेक्चर आपको चैनल पे मिल जाएंगे, आप चैनल पे विजिट करके आप वो वहां पे देख सकते हैं अभी हमने कौन कौन से लेक्चर अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। तो ये आज एक और लेक्चर सेंटर ऑफ मास में, जिसके अंदर डिस्कस करूंगा सेंटर ऑफ मास ऑफ वेरिएबल मास सिस्टम। तो आप ज्वाइन कर लीजिए इस लाइव स्ट्रीमिंग को, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ वेरिएबल मास सिस्टम। एक बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए अगर वो अपने आप पढ़ने जाएंगे, कुछ समझने की कोशिश करेंगे इसमें से। सो इसको जरूर देखिएगा वीडियो को, बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस इसके अंदर करेंगे, बहुत अच्छे कांसेप्ट्स इसके अंदर करेंगे, आपको बताएंगे सेंटर ऑफ मास किसका कहां पे लाई करता है अगर वेरिएबल मास सिस्टम होगा। ये हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। शुरुआत करते हैं, कुछ एक टॉपिक्स होंगे जो इसके अंदर हमने डिस्कस करने हैं। वो टॉपिक के नाम मैं आपको बता दूं, एक रिंग का सेंटर ऑफ मास, रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करता है। दूसरा हम मैं बात करूं इसके अंदर, फिर मैं सेंटर ऑफ मास निकालूंगा डिस्क का। फिर तीसरा केस आएगा मेरे पास हेमिस्फेयर, ऐसे कौन कई सारे केसेस हैं। तो जितने आज पॉसिबल है आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपको सेंटर ऑफ मास निकाल के दिखाया जाएगा, सेंटर ऑफ मास निकालेंगे वेरिएबल मास सिस्टम का। चलिए शुरुआत करते हैं, आपको वो बताया भी जाएगा वेरिएबल मास कैसे और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। एक चीज आपको याद रखनी है, वेरिएबल मास के लिए, वेरिएबल क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। चलिए शुरुआत करता हूं इस लेक्चर की। अब क्या मेरे टॉपिक का नाम क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। एक सेमी सर्कुलर रिंग है, उसका सेंटर ऑफ मास निकालना। एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये, क्योंकि वेरिएबल मास सिस्टम, कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर होता है। डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि आप इसको कंसेप्ट को समझने की कोशिश की बजाय इसको कंसेप्ट को आप क्रैम करने की कोशिश करते हैं। बट अगर आप इसको समझेंगे तो बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। चलिए शुरुआत करता हूं मैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग। अब यहां ध्यान से देखिए कौन से केस में वेरिएबल होगा। यहां से देखता हूं, ये मैंने क्या कर लिया, एक्सिस बना ली, यहां से ये एक्सिस बनाई, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब यहां से एक रिंग प्लेस कर दी, रिंग सभी ने देखी हुई है, इसके सिर्फ आउटर बाउंड्री पे मास होगा। इसके सिर्फ कहां मास होगा, सिर्फ आउटर बाउंड्री पे। यहां देखिए, ये मैंने एक रिंग कंसिडर कर ली, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालना है मुझे। अब ये रिंग के अंदर कौन सा कोऑर्डिनेट या फिर क्या चीज वेरिएबल है, सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं, क्लियर। चलिए अगर मैं कंसिडर करता हूं एक छोटा सा एलिमेंट, अगर मैं यहां से देखूं एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करता हूं, ये मैंने एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया, तो इसके लिए क्या चीज वेरिएबल है, ध्यान से सुनना। इसका वर्टिकल डिस्टेंस यहां से कुछ और होगा। अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं, अगर मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, पहले ध्यान से सुनना, एक्स एक्सिस में क्या होगा, ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, दिस इज एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के अबाउट क्या हमारे पास, सिमेट्रिकल। क्यों एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल है, सबसे पहले ये बात करता हूं, ध्यान से सुनना। x एक्सिस से डिस्टेंस देखूं, अगर मैं यहां से देखता हूं, यहां से x कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूं, x एक्सिस में जितना मास रिंग का इधर है उतना ही इधर है, उतना ही क्या हमारे पास इधर, मतलब ध्यान से सुनना, अगर ये ओरिजिन था, x एक्सिस के राइट में हाफ रिंग है और लेफ्ट में क्या, हाफ रिंग। इसका मतलब x एक्सिस में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब जितना राइट साइड में है उतना ही लेफ्ट साइड में। अगर मैं इसका टोटल मास लेट कर लूं, अगर मैं इसका टोटल मास लेट कर लूं, वो किसके बराबर है, कैपिटल M के, किसके बराबर है, कैपिटल M के। और इसका रेडियस भी आपको बता देता हूं कितना है मेरे पास, R। इसका रेडियस भी मैंने आपको बता दिया कितना है, कैपिटल R। तो क्या मैं बोल सकता हूं इसका सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस में या जीरो पे लाई करेगा, तो इसका एक्ससीएम कितना होगा, जीरो। एक्ससीएम कितना होगा, जीरो, ऑरिजिन पे लाई करेगा। क्यों ऑरिजिन पे लाई करेगा, क्योंकि जितना राइट में उतना ही क्या होगा, लेफ्ट में, उतना ही क्या होगा हमारे पास, लेफ्ट में। लेकिन y एक्सिस में ऐसा नहीं है, y एक्सिस में ऐसा नहीं है, इसके ओरिजिन से ऊपर सारा मास पड़ा हुआ और नीचे कोई मास नहीं है, और नीचे कोई मास नहीं है। इसका मतलब आपको इसका सेंटर ऑफ मास कौन से एक्सिस में निकालना है, y एक्सिस में। इसका सेंटर ऑफ मास कौन से एक्सिस में निकालना है, y एक्सिस में, बिकॉज दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये इक्वली नहीं बटा हुआ, जितना ऊपर है उतना नीचे नहीं है, तो मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। तो मैं उसके लिए क्या करता हूं, एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करता हूं यहां पर। अब इस छोटे से एलिमेंट के लिए मैं कितने एंगल पे कंसीडर कर रहा हूं, थीटा एंगल पे।
एक थीटा एंगल पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लिया और इसकी थिकनेस कितनी थी, डी थीटा। ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा था, डी थीटा। कितना एंगल सबटेंड कर रहा था, डी थीटा। इस चीज को समझिए, मैं यहां पे एंगल लिख रहा हूं और आपको बता रहा हूं ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, डी थीटा। कंसिडर, मैं लिखवा रहा हूं यहां से, देखिए जरा, कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट, एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर रहा हूं, कितने एंगल पे, एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा, and thickness of this element, या एक the angle subtended by this small element, ये जो छोटा सा element है ये कितना angle subtend करेगा, d theta। आपको ये कंसिडर करना है, यहां से ध्यान से सुनना, हमने एक छोटा सा एलिमेंट उठा लिया क्योंकि कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी, आप वेरिएबल क्वांटिटी क्यों है उसके लिए सुनता हूं, अगर मैं यहां से ये एलिमेंट यहां पे उठाता इसके लिए y की वैल्यू कितनी होती, जीरो। एक एलिमेंट यहां पे है इसके लिए y की वैल्यू कितनी होती हमारे पास, r। अगर एलिमेंट यहां पे होता y की वैल्यू डिफरेंट होती, अगर यहां पे होता y की वैल्यू डिफरेंट होती, इस पॉइंट पे होता y की वैल्यू क्या होती, डिफरेंट। तो इसका मतलब y हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, और अगर y हर एक पॉइंट पे चेंज होगा, वेरिएबल होगा, आपको पता है वेरिएबल चीज को कैसे कैलकुलेट करूंगा, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, एक छोटा सा एलिमेंट उठाया जाता है उसके लिए कैलकुलेशन करोगे और उसका इंटीग्रेशन कर दोगे। इतनी बात क्लियर हुई। मैं रिंग के ऊपर घूम रहा हूं और आपको पूछ रहा हूं इसके अंदर y की वैल्यू कहां कहां पे चेंज हो रही है, y की वैल्यू यहां भी चेंज हो रही है, इधर भी चेंज हो रही है, इधर भी अलग है, इधर अलग है और इधर अलग है। मतलब हर एक पॉइंट पे y वेरिएबल है, हर एक पॉइंट पे ये y एक्सिस का डिस्टेंस क्या है, वेरिएबल। इस पॉइंट पे y एक्सिस का डिस्टेंस कितना होगा, जीरो। इस पॉइंट पे y एक्सिस का डिस्टेंस क्या होगा, r। हर एक पॉइंट पे y की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। अगर हर एक पॉइंट पे y की वैल्यू वेरिएबल है, आई नीड टू डू इंटीग्रेशन, मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्लियर। चलिए, x के अंदर सेंटर ऑफ मास निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, बिल्कुल ऑरिजिन पर लाई करेगा। y के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं है तो उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना पड़ेगा। अब y वेरी कर रहा है उसके लिए एक छोटा सा एलिमेंट उठा लिया। अब ये छोटा एलिमेंट कितने एंगल पे उठाया, थीटा एंगल पे, और इसका अपना एंगल कितना था, डी थीटा, दैट इज अ स्मॉल एंगल। अब मुझे इसका मास निकालना है, दिस मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, ध्यान से सुनना। नाउ लेट कर रहा हूं, लेट लैम्डा बी द मास पर यूनिट लेंथ, विद दी मास पर यूनिट लेंथ। इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए क्योंकि यहां पे मास इस लेंथ के ऊपर बटा हुआ है, ध्यान से सुनना, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द लेंथ। क्या मैं बोल सकता हूं, द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द लेंथ। ये जो मास है ये लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको तीन टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन बताए गए थे, या तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ पे होगा, या एरिया में होगा, या एक वॉल्यूम में होगा। यहां पे एक 1D फिगर है, ये 1D फिगर अगर मैं इसको सीधा कर दूं तो ये 1D फिगर बन जाएगी। तो अगर ये 1D फिगर है तो इसके अंदर मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, मास पर यूनिट लेंथ वाला। कौन सा होगा, मास पर यूनिट लेंथ। मैंने लेट कर लिया लैम्डा विद द मास पर यूनिट लेंथ। अगर मैं देखूं लैम्डा निकालना है तो लैम्डा कैसे निकलेगा, देखिए टोटल मास की बात करूं कितना होगा, एम, और इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, इसका टोटल लेंथ कितना होगा, पाई आर। इसका टोटल लेंथ कितना होगा, पाई आर। या फिर इसके अंदर इस छोटे से मास को कंसिडर कर सकता हूं। देखिए मैं फिर बता दूं, ये लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ पूरी रिंग के लिए भी वही रहेगा जो इस छोटे से एलिमेंट के लिए, क्योंकि ये डेंसिटी है, मास डेंसिटी है, एंड डेंसिटी विल नेवर चेंज। डेंसिटी कभी भी चेंज नहीं होती, चाहे आप पूरे रिंग की बात करो, चाहे इस छोटे से एलिमेंट की बात करो, लैम्डा की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। लैम्डा दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम। पहले मैंने पूरे रिंग के लिए निकाला, अब मैं इस छोटे एलिमेंट के लिए निकाल रहा हूं। इस छोटे एलिमेंट का मास लेट कर लिया मैंने, कितना है, डीएम। कितना मास लेट करा, डीएम। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितना मास लेट करा इसका, डीएम मास लेट करा, लेकिन इसकी लेंथ नहीं पता मुझे, इसकी लेंथ नहीं पता। मैं इसकी लेंथ को कितना कर रहा हूं, डीएल। कितनी लेंथ कर रहा हूं, डीएल। नाउ हाउ टू फाइंड दिस डीएल, आपने एंगल पढ़ा होगा थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, शायद ये पढ़ा हुआ आपने। उसके लिए मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, देखिए ये छोटा एलिमेंट कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, डी थीटा। इसका रेडियस कितना है, आर, और इसकी लेंथ कितनी है, डीएल। कितनी लेंथ है इसकी, डीएल। तो यहां बहुत आसानी से निकल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू दिस लेंथ दैट इज आर्क अपॉन में रेडियस। तो यहां से लेंथ कैसे निकलेगी, आर डी थीटा। कैसे निकलेगी लेंथ, आर डी थीटा। क्लियर, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यहां से ध्यान से सुनिएगा। ये डीएल की वैल्यू निकाल ली, मैं इस डीएल को यहां पे पुट करूं, सो दिस विल बिकम डीएम अपॉन आर डी थीटा। मैं इन दोनों को इक्वेट कराने वाला हूं,
इन दोनों को इक्वेट कराने वाला हूं, एम अपॉन पाई आर इज इक्वल टू डी एम अपॉन आर डी थीटा। मुझे इस छोटे से एलिमेंट का मास निकालना था, वो छोटे एलिमेंट का मास कितना है मेरे पास, डी एम इज इक्वल टू एम आर अपॉन पाई डी थीटा, एम आर अपॉन पाई डी थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं फिर आपको बता रहा हूं कैसे मैंने इसकी कैलकुलेशन करी। मैंने एक रिंग कंसिडर करी, सबसे पहले आपको बताया एक्स एक्सिस में ये सिमेट्रिकल है, जितना इधर उतना ही इधर, तो मतलब बिल्कुल सेंटर में लाई करेगा, जीरो पे लाई करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो। बट यहां पे मुझे क्या कंसिडर करना पड़ेगा इसके अंदर, ये जो वाई एक्सिस में ऊपर मास है नीचे नहीं है, तो वाई एक्सिस का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब मैं देखूं इस एलिमेंट के लिए यहां पे y की वैल्यू जीरो, यहां पे y की वैल्यू कुछ और होगी, यहां पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी r, यहां पे y की वैल्यू कम होते 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 कितनी हो जाएगी जीरो। तो y यहां पे वेरिएबल है, अगर y वेरिएबल है तो उसके लिए एक छोटा सा एलिमेंट उठाया, जो कितने एंगल पे उठाया, थीटा एंगल पे, कितने एंगल पे उठाया थीटा एंगल पे, कितनी उसका जो एंगल सबटेंड कर रहा था वो कितना था, डी थीटा। तो यहां से मैंने उसका मास निकाल लिया, वो मास कितना आया, एम आर डी थीटा अपॉन पाई, एम आर डी थीटा अपॉन पाई। अब आपको पता है y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ध्यान से सुनना, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा इन केस ऑफ वेरिएबल मास क्वेश्चन, r विल बी कैंसल्ड, लेट मी चेक, ओके 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 ओके, यहां से कैंसिल हो जाएगा, चलिए सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, एम बाई डी थीटा, m by pi d theta, बिल्कुल सही बताया उन्होंने, r cancel out हो गया था, वो cancel out होके कुछ नहीं बचेगा उसके अंदर, m by pi d theta, बहुत अच्छा आंसर बताया। चलिए अब इसकी तरफ चलता हूं, y coordinate of center of mass, center of mass का y coordinate in case of variable mass system, मैंने last class में आपके साथ discuss किया था, center of mass का formula क्या होता है, 1 by m, मुझे इस छोटे से element का mass निकालना है, इसको उसके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन करूंगा और टोटल मास से डिवाइड कर दूंगा। तो यहां से ycm की वैल्यू देखिए, सेंटर ऑफ मास, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसका ये फार्मूला, चलिए एक बार बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको याद है ये फार्मूला, नहीं तो फिर बताते एक बार कैसे कैलकुलेट करा था हमने, कैसे बताया था, क्या आपको ये याद है फार्मूला कैसे y कोऑर्डिनेट निकलता है वेरिएबल मास सिस्टम का, क्योंकि वेरिएबल मास सिस्टम में आपको यही फार्मूला यूज करना है, वेरिएबल मास सिस्टम में आपको यही फार्मूला यूज करना है। फटाफट से बता दीजिए एक बार कैसे हमने कैलकुलेशन करी, ये कैसे आपको पता चल गया कि नहीं, उसके बाद हमने क्या करा इसके अंदर, इसका वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, नहीं पता, चलिए फिर बताता हूं क्या करना है। अगर वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, आपने क्या करना है, इस छोटे से एलिमेंट का, इस छोटे से एलिमेंट का वाई कोऑर्डिनेट निकाल के उस मास से मल्टीप्लाई करके उसका इंटीग्रेशन कर दो, टोटल मास से डिवाइड कर दो, और टोटल मास से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। चलिए अब मुझे इस छोटे से एलिमेंट का y कोऑर्डिनेट निकालना है, ये y कोऑर्डिनेट कितना है, देखिए जरा मैं फिर बना रहा हूं, यहां से थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, ये एंगल थीटा, ये मेरा रेडियस है, ये रेडियस है, ये इस छोटे एलिमेंट का y कोऑर्डिनेट है। इस ट्राइंगल को देखिएगा जरा, इस छोटे से एलिमेंट का y कोऑर्डिनेट ये था, उसका रेडियस r ये हो गया और ये एंगल थीटा हो गया। अब मुझे ये y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो एंगल के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज किसके बराबर होगा, साइन थीटा के। तो यहां से जो मेरा परपेंडिकुलर आएगा, दैट इज y इज इक्वल टू r साइन थीटा, y किसके बराबर आ जाएगा, r साइन थीटा, इज इट क्लियर। यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r साइन थीटा। मैंने इस छोटे से एलिमेंट का y कोऑर्डिनेट भी निकाल दिया, मैंने इस छोटे से एलिमेंट का y कोऑर्डिनेट भी आपको कैलकुलेट कर दिया, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए मैं ये यहां से रब कर रहा हूं, इसके बाद इसकी डेरिवेशन को यहीं कंटिन्यू रखूंगा, आई होप आप समझ पाएंगे, क्योंकि यहां पे वेरिएबल मास सिस्टम है, वेरिएबल मास सिस्टम का मतलब क्योंकि y चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, तो मैं एक छोटा सा एलिमेंट उठाऊंगा डी थीटा का, उसका मास निकाल लिया, फिर उसका y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैंने ये ट्राइंगल के ऊपर वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज साइन थीटा यूज कर लिया। अब मैं सारी वैल्यूज पुट करता हूं, ycm इज इक्वल टू 1 बाय m इंटीग्रेशन ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस एलिमेंट, इस छोटे से एलिमेंट का y कोऑर्डिनेट वो कितना है हमारे पास, r sin थीटा, कितना है हमारे पास, r sin थीटा, इनटू में dm, देखिए y कोऑर्डिनेट पुट करने के बाद dm पुट करूंगा, dm वहां से कितना आया, m by pi d थीटा, m by pi d थीटा। चलिए एक बार बताइए इसके अंदर वेरिएबल कौन सा है, ये जो हम ycm निकाल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर मैं 1 by m बाहर पड़ा था, इसके अंदर वेरिएबल कौन सा है, व्हिच क्वांटिटी इज वेरिएबल इन दिस इंटीग्रेशन,
इस इंटीग्रेशन में कौन सी क्वांटिटी वेरिएबल है और वो आपको बताना है, फिर हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक थोड़ी छोटी सी डेरिवेशन तो जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करता है, बताइए फटाफट से कमेंट सेक्शन में। विच वन इज द वेरिएबल, कौन सा इसके अंदर वेरिएबल है, कमेंट सेक्शन लाइव चैट ऑप्शन में आप बता सकते हैं कौन सा वेरिएबल है इसके अंदर। थीटा, बिल्कुल सही बात करी, विच वन इज द वेरिएबल, थीटा। तो यहां से आर बाहर आ जाएगा, एम बाहर आ जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन थीटा का विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, बिल्कुल सही बात करी, थीटा इज द वेरिएबल। नाउ अब ये एम से एम तो कैंसिल आउट कर दिया मैंने, यहां पे थीटा वेरी कर रहा है तो इस थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज होगी, दिस इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द रिंग एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट ऑफ द रिंग। जब मैं इस पॉइंट पे आऊंगा तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। ध्यान से सुनना, ये इंटीग्रेशन के लिमिट कैसे पुट होती है, जब मैं इस स्टार्टिंग पॉइंट पे आऊंगा, क्योंकि रिंग यहां से लेके यहां तक जा रहा है, जब इस स्टार्टिंग पॉइंट पे आऊंगा, इस स्टार्टिंग पॉइंट पे इस थीटा का वैल्यू कितना होगा, जीरो। यहां पे इस थीटा का वैल्यू कितना होगा, जीरो। लेकिन अगर घूम के यहां पे आ जाऊं तो ये थीटा का वैल्यू कितनी होगी, ये बताइए, ये थीटा की वैल्यू कितनी होगी। ध्यान से सुन के आपको एक कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, एक बहुत छोटा सा आंसर। मैंने रिंग को यहां से शुरू करा और यहां पे लाके खत्म करा, जब रिंग को शुरू करा था जब एंगल की वैल्यू कितनी थी, जीरो। लेकिन जब इसको रोटेट करके दूसरे एंड पे ले गया, दैट इज टू द अपोजिट एंड, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा, 180। और 180 को लिख रहा हूं पाई, 180 को लिख रहा हूं पाई। कितनी बात क्लियर हुई आपको, चलिए यहां से इंटीग्रेशन करके अब आपका आंसर आ जाएगा। आपको याद क्या रखना है, देखिए छोटी सी चीजें याद रखनी है जिनको अभी तक इंटीग्रेशन, क्योंकि आप 11th में इंटीग्रेशन इतना क्लियर नहीं होगा, 180 हो गया, बिल्कुल सही बात, पाई बिल्कुल सही करा, बिल्कुल बिल्कुल 180 की तरह आएगा इसके अंदर। अब यहां से जीरो से लेके पाई तक इसका इंटीग्रेशन होगा। अब आपको ये चीज याद रखनी है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। ये टर्म्स आपको याद रखनी है जब तक आप मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन नहीं पढ़ लेते, क्लियर। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई सी एम इज इक्वल टू आर बाय पाई, आर बाय पाई, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा। क्या इंटीग्रेशन है इसका, कॉस थीटा, क्लियर। क्या इंटीग्रेशन होगा इसका, कॉस थीटा, कहां से लेके कहां तक होगा, ध्यान से सुनना, जीरो से लेके पाई तक, जीरो से लेके पाई तक। तो वाई सी एम इज इक्वल टू आर बाय पाई, अब इसके अंदर सॉरी माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, पहले पुट करेंगे अपर लिमिट कॉस पाई, माइनस में लोअर लिमिट, माइनस में लोअर लिमिट, क्लियर। माइनस में क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट। ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन कैसे करा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, जीरो से लेके पाई तक, फिर उसके बाद पहले थीटा की जगह पाई पुट करेंगे, ये टर्म आ गई, फिर थीटा की जगह जीरो पुट करेंगे, ये टर्म आ गई, माइनस में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब कॉस पाई कितना होता है, कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री होता है हमारे पास माइनस वन, और कॉस जीरो कितना होता है हमारे पास, वन। कॉस जीरो कितना होता है हमारे पास, वन। माइनस माइनस विल बिकम प्लस, सो दिस विल बिकम टू आर बाय पाई, टू आर बाय पाई। ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आ गई, ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आ गई। तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस में कितने डिस्टेंस पे होगा, टू आर बाय पाई। तो एक रिंग का, हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे होगा, टू आर बाय पाई पे, क्लियर। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कैसे निकला, क्योंकि वेरिएबल था, छोटा एलिमेंट कंसिडर करके उसका मास निकाला, मास निकाल के उसको वाई कोऑर्डिनेट निकाला, वाई डीएम, इसका इंटीग्रेशन करा, हमारा आंसर आ गया टू आर बाय पाई। इस डेरिवेशन को एक बार जरूर लिख के देखिएगा आप, आपने अभी लिखी बहुत अच्छी बात है, एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए दूसरी तरफ चलता हूं, आज की दूसरी डेफिनेशन, शायद यही कंप्लीट हो पाएगी आज, लेकिन आप इसके बाद सीख जाएंगे सेंटर ऑफ मास निकालना कैसे है, ठीक। चलिए नाउ लेट अस कंसिडर सेंटर ऑफ मास, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एक रिंग का सेंटर ऑफ मास 2r बाय पाई डिस्टेंस पे लाई करता है, 2r बाय पाई डिस्टेंस पे लाई करता है। चलिए आगे की तरफ चलता हूं, अब मुझे अगले पॉइंट्स की तरफ चलना है, वो अगले पॉइंट क्या होंगे देखिए फटाफट से, अगली बॉडी का सेंटर ऑफ मास, नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। अभी सेमी सर्कुलर रिंग थी, अब सेमी सर्कुलर डिस्क होगी,
क्लियर, ध्यान से सुनना, फिर बता रहा हूं क्योंकि पिछले का रिजल्ट यूज होना है, मतलब जो हमने अभी कर चुके रिंग उसका रिजल्ट इसके अंदर यूज करेंगे। अब उसका रिजल्ट कैसे यूज करेंगे तो वो मैं आपको बताता हूं, ठीक। आपको यहां पे थोड़ा सा एज्यूम करके चलना पड़ेगा, एज्यूम कैसे, एजम्पशन कैसे, इमेजिनेशन पावर, थोड़ा सा इमेजिन करके चलना पड़ेगा डिस्क बनता कैसे है। देखिए रिंग और डिस्क में क्या फर्क है, अब मैं यहां पे आपको बना के दिखाता हूं। देखिए क्या करा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये डिस्क बना दी मैंने, ये डिस्क बना दी। अब जब ये डिस्क बनाई, ये अंदर से पूरी फिल्ड है, ध्यान से सुनना, दिस इज कंप्लीटली फिल्ड, रिंग का सिर्फ आउटर बाउंड्री होता है, ये अंदर से पूरा फिल्ड होगा, ये अंदर से पूरा फिल्ड होगा। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास बता दो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, जिन्होंने अभी रिंग का निकाला था सेंटर ऑफ मास, उनको पता होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा। अब मैं आपको कुछ एक टर्म्स और बता रहा हूं, मैं इसका टोटल मास कितना लेट कर रहा हूं, एम, टोटल मास कितना लेट कर रहा हूं, एम, और रेडियस कितना लेट कर रहा हूं, इसका रेडियस, इसका आर लेट कर रहा हूं, रेडियस ऑफ डिस्क इज आर। एक्सीएम, आपको एक्सीएम की वैल्यू बतानी है कमेंट सेक्शन में, यू नीड टू टेल द वैल्यू ऑफ एक्सीएम, इसका एक्सीएम कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, आई होप सभी बता पाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि मुझे एक्स कोऑर्डिनेट भी निकालना है और वाई कोऑर्डिनेट भी। आदित्य का आंसर आया bx is equal to 0, y x is equal to 0, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि x एक्सिस में जितना मास इधर है उतना ही इधर है, इसका मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मुझे x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सेंटर पे आएगा, दैट इज 0 पे, कहां पे लाई करेगा, 0 पे, क्लियर, x is equal to 0 पे लाई करेगा, बिल्कुल अच्छी बात करी है। उसके बाद लेकिन y एक्सिस में मास ऊपर ज्यादा है और नीचे कम है, मास ऊपर ज्यादा और नीचे कम है, इसलिए y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा, इसलिए y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करूंगा, उसके लिए मुझे इंटीग्रेशन मेथड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक पॉइंट और सुनिए, डिस्क इज मेड अप ऑफ n numbers of rings, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी रिंग, एक रिंग ये रखी, एक रिंग आगे रखी, एक रिंग उसके आगे रख दी, मतलब ऐसे रिंग्स रखता जाऊं तो मेरे पास क्या बन जाएगी, डिस्क बन जाएगी। तो क्या बोल सकता हूं, जो ये डिस्क बनी है ये छोटी छोटी रिंग से बना, ये छोटी छोटी रिंग से बनी हुई है, किससे बनी हुई है, रिंग से, किस चीज से बनी हुई है, रिंग से बनी हुई है, उनमें से एक रिंग मैंने कंसिडर कर ली, उनमें से एक रिंग मैंने यहां पे कंसिडर कर ली। मैंने क्या बोला, डिस्क जो होती है वो किससे बनी होती है, इसको पहली रिंग रखी, दूसरी रिंग, रेडियस बढ़ाता जाऊंगा रिंग का, तो वहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये रिंग से रखते रखते क्या बन जाएगी, डिस्क बन जाएगी। तो मतलब रिंग से बनी होती है, उसमें से एक रिंग मैंने कंसिडर कर ली, कंसिडर वन सच रिंग ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस कितना लूंगा, वाई, कितना रेडियस लूंगा जिसका, वाई, ध्यान से सुनना, कंसिडर वन सच रिंग ऑफ रेडियस वाई, जिसका रेडियस कितना लेने वाला हूं, वाई। इस छोटी सी रिंग को मैंने उठाया, आपको इस बात को समझना होगा, इमेजिन करना होगा कैसे एक डिस्क रिंग से बनी होती है, काफी सारी रिंग रख दूंगा, अगर मैं रिंग को यहां भी रख सकता था इस टाइप से, ठीक है, रिंग को कहीं भी रखा जा सकता है, अगर रिंग को कहीं भी रखा जा सकता है तो इसका मतलब यहां पे ये वाई की वैल्यू वेरी कर रही है। मैं इस रिंग को यहां भी उठा सकता था इस पॉइंट पे, इस रिंग को यहां भी उठा सकता था इस पॉइंट पे, तो इसका मतलब इस रिंग के लिए ये रिंग कहीं भी उठ सकती थी, अगर मैं नीचे उठाता तो वाई का वैल्यू कम हो जाता, अगर ऊपर उठाता तो वाई का वैल्यू क्या हो जाता, ज्यादा। इसका मतलब यहां पे वाई वेरिएबल है, यहां पे वाई क्या है, वेरिएबल, तो वेरिएबल है, तो एक छोटा सा रिंग कंसिडर करना पड़ेगा जिसका रेडियस कितना लेट कर लिया, वाई। अब इसके मास को लेट कर रहा हूं कितना है, डीएम, इसके मास को लेट कर रहा हूं कितना है, डीएम। अब ये मास कैसे निकलेगा, मुझे सिर्फ एक बात बता दो, यहां पे मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, लेंथ में या एरिया में, विच टाइप ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन इज देयर इन दिस रिंग, सॉरी इन दिस डिस्क, इस डिस्क में मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मास डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ में है, मास डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में है, मास डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम में है, क्योंकि सबसे पहली बात समझना ये आपको आना चाहिए, इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, एरिया, बिल्कुल सही बात करी, द मास डिस्ट्रीब्यूशन इज एरिया, कैसा है हमारे पास, एरिया का मास डिस्ट्रीब्यूशन है। चलिए ऑलमोस्ट सभी ने आंसर करा, इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, एरिया। दूसरी बात मेरे को ये बताइए, जो ये डिस्क होती है, ये जो डिस्क है
ये किस चीज से बनी होती है? ये जो हमने डेस्क बनाई, ये छोटे छोटे कौन से एलिमेंट से बनी होती है, फटाफट से बताइए। फिर क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये जो डेस्क कंसिडर करी, ये डेस्क कौन से छोटे एलिमेंट से बनी होती है, वो उनकी शेप कौन सी होती है जो हमने छोटा एलिमेंट कंसिडर करा, बताइए एक बार कमेंट सेक्शन में। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां से, क्योंकि ये दो पार्ट अगर आपको क्लियर हो गए तो यहां से आप इसका सेंटर ऑफ मास बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। एक्स एक्सिस में तो निकालने की जरूरत नहीं, वाई एक्सिस में निकालना पड़ेगा रिंग से। वो छोटे एलिमेंट कौन से होते हैं? रिंग से। अगर आप ये बात समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो छोटी छोटी रिंग से बना होता है। तो उनमें से एक रिंग हमने कंसिडर कर ली, वो जो रिंग कंसिडर करी, बिल्कुल सही बात, रिंग से बना होता है, सेमी सर्कुलर रिंग से बना होता है, बिल्कुल सही बात, सेमी सर्कुलर रिंग से बना होता है। उनमें से एक रिंग उठा ली जिसका रेडियस कितना कंसिडर करा हमने, वाई, कितना रेडियस कंसिडर करा, वाई। नाउ लेट कर रहा हूं, लेट सिग्मा बी द मास पर यूनिट एरिया, लेट सिग्मा बी द मास पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया का मास लेट कर लिया। अब ये सिग्मा पूरी डिस्क के लिए और एक छोटी से रिंग के लिए सेम रहने वाला है, क्योंकि डेंसिटी कभी भी चेंज नहीं होती। अगर सिग्मा की बात करूं, पूरा मास कितना लिया, एम, और इस पूरे का एरिया कितना है, क्योंकि ये मास पर यूनिट एरिया है, m इसका मास हो गया, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2 होगा रादर, क्योंकि सेमी सर्कुलर रिंग है, पाई आर स्क्वायर बाय 2 होगा, और यू कैन से 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर, 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर, क्लियर। या फिर एक और काम कर सकता हूं, मैंने पूरी रिंग के लिए निकाला, अब इस छोटे से एलिमेंट के लिए निकालता हूं सिग्मा, इस छोटे से एलिमेंट का मास कितना है, dm, इस छोटे से एलिमेंट का मास कितना है, dm, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया की बात करूं तो अगर मैं इसको ध्यान से सुनना, अच्छा ये इसकी थिकनेस भी मैं कंसिडर कर रहा हूं dy, इसकी थिकनेस भी कंसिडर कर रहा हूं dy, कंसिडर वन सच रिंग ऑफ रेडियस y एंड थिकनेस dy, और इसका थिकनेस कितना है, dy, क्लियर, ध्यान से रखिएगा। अब यहां से मुझे थिकनेस dy क्यों करी, dx क्यों नहीं करी, मैंने इसका थिकनेस dy करा, dx क्यों नहीं करा, सबसे पहले यह बात सुनिए, क्योंकि ये थिकनेस किस तरफ बढ़ रही है, y एक्सिस में, इसलिए मैंने क्या थिकनेस ली इसकी, dy, हम इसका सेंटर कौन सी एक्सिस में निकाल रहे हैं, y एक्सिस में, इसलिए थिकनेस क्या ली, dy, क्लियर। तो अब इसका थिकनेस ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस रिंग को बिल्कुल सीधा कर दूं, अगर मैं इस रिंग को सीधा कर दूं, तो सीधा करने के बाद ऐसा बन जाएगा, सीधा करने के बाद इस टाइप से बन जाएगा, मैंने इस रिंग को उठा के सीधा कर दिया, अगर इस रिंग को सीधा कर दिया, इसका थिकनेस कितना था dy, इसका थिकनेस कितना था dy, इसका रेडियस कितना था y, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, पाई r, पाई y, पाई y, क्योंकि आपको पता है एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होती है, पाई r, इसका रेडियस y था, इसलिए इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, पाई y, इसकी लेंथ पाई y, इसकी थिकनेस dy, इसका एरिया आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल का एरिया आपने निकालना सीखा कैसे, मैंने इस रिंग को सीधा कर दिया एरिया निकालने के लिए, लेंथ इसकी पाई वाई थी और यहां पे इसका एरिया कितना था हमारे पास, सॉरी थिकनेस कितनी थी, डी वाई, तो क्या बनेगा इसका एरिया, क्या बनेगा, पाई वाई डी वाई, पाई वाई डी वाई, अब मैं ये कैंसिल आउट कर रहा हूं पाई, सो दिस डी एम विल बिकम, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कराऊं, डी एम विल बिकम, दिस इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, डी एम किसके बराबर आएगा, टू एम, टू एम y dy अपॉन में r स्क्वायर, अपॉन में r स्क्वायर, ये छोटा सा मास आ गया मेरे पास, ये छोटा सा मास आ गया, बहुत अच्छी बात हुई है हमारे पास। अब मैं इसका y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लूंगा, अच्छा ये चीज भी आपको पता है, ध्यान से सुनना, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको पता है क्या होगा, 1 by m इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dm, इंटीग्रेशन ऑफ y ऑफ सेंटर ऑफ मास, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लेके आ रहा हूं यहां से, ध्यान से सुनना, पाई वाई डी वाई इसका एरिया आया, ये वाई सी एम निकालने का फॉर्मूला, 1 by m वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मासेस ऑफ द स्मॉल एलिमेंट इनटू डीएम, डीएम निकाल चुका हूं, लेकिन मुझे ये वाई नहीं पता, ये वाई क्या है, ये जो मैंने रिंग कंसिडर करी, ये जो मैंने रिंग कंसिडर करी, इसका सेंटर वाई एक्सिस में कितने डिस्टेंस पे होगा, ये आपने अपनी लास्ट उसमें डेरिवेशन में निकाला, ये लास्ट डेरिवेशन में निकाला, एक रिंग का सेंटर कहां पे लाई करता है, 2r/π, 2r/π, ध्यान से सुनना, अभी यहां से मैं इसको y डैश बोल रहा हूं, y डैश बोल रहा हूं, यहां से ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये y डैश कैसे निकलेगा, ये y डैश क्या होगा, दिस इज दी डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास इन द y एक्सिस ऑफ दिस रिंग, इस रिंग का जो सेंटर y एक्सिस में कितने डिस्टेंस पे होगा, ये वो डिस्टेंस होगा, ध्यान से सुनना, क्योंकि हमने रिंग कंसिडर करी, रिंग का y एक्सिस में सेंटर कितने डिस्टेंस पे लाई करता है,
2r by pi, कितने पे 2r by pi आपने लास्ट डेरिवेशन में करा, अभी हमने इसी वीडियो में कराया 2r by pi, लेकिन इसका रेडियस y के बराबर था, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2y by pi, किसके बराबर हो जाएगा 2y by pi, ये वैल्यूज यहां पुट करता हूं, ycm is equal to 1 by m integration of y dash की वैल्यू 2y by pi और dm की वैल्यू 2m upon r square y dy. चलिए वेरिएबल बताइए इसके अंदर, इसके अंदर मुझे वेरिएबल चाहिए, मैंने इनको मल्टीप्लाई करा और इसका वेरिएबल बताइए, कौन सा वेरिएबल है इसके अंदर, अगर जो वेरिएबल का पता चल गया फिर उसका लिमिट पुट करेंगे और उसी वेरिएबल को अंदर रख के बाकी सारे को बाहर ले जाएंगे और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ध्यान से सुनिएगा क्या करा, ये फॉर्मूला आपको पता है, डीएम निकालना बहुत अच्छे से आता है, डीएम निकालना बहुत बढ़िया से पता चल गया आपको, लेकिन y डैश इज दी y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस स्मॉल रिंग, ये जो छोटी सी रिंग कंसिडर करी इसका y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्लियर। चलिए y बिल्कुल सही बात, कौन सा वेरिएबल है यहां पे y, तो बाकी सब कुछ बाहर ले जाता हूं, 1 by m, ये 4 बाहर आ गया, m बाहर आ गया, r स्क्वायर बाहर आ गया, बचा क्या y स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dy, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dy, किसका इंटीग्रेशन करूंगा y स्क्वायर का, क्लियर। अब ये y स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे होगा, सबसे पहले तो y स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें, चलो छोड़ दो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, व्हाट इज द लिमिट, अगर मैं देखूं यहां से डिस्क शुरू हो रही है और यहां पे खत्म हो रही है, यहां से हमने इसको उठाना शुरू करा, यहां से रिंग लेनी शुरू करी थी, यहां से y की वैल्यू शुरू हो रही है और इधर खत्म हो रही है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पे इस y का वैल्यू कितना है 0, स्टार्टिंग पॉइंट पे इस y का वैल्यू कितना है 0, और इस एंड पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट देखा लोअर लिमिट पुट होगी 0, तो अपर लिमिट क्या पुट करूंगा, मुझे अपर लिमिट के लिए क्या चेक करना होता है, ये डिस्क कहां पे जाके खत्म होगी, r, बिल्कुल सही बात, 0 to r, बिल्कुल सही बात, एंड पॉइंट क्या होगा r, तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है 0 to r, क्लियर। तो ना यहां से अगर देखो, यहां से अगर देखू वाई सी एम किसके बराबर आ जाएगा, एम सी एम तो हो गया कैंसल आउट, 4 अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर, या वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर देता हूं, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको करना आता है y की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 0 से लेके r तक, y की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 0 से लेके r तक, y की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 0 से लेके r तक। चलिए अपर लिमिट, पहले y की जगह r पुट करूंगा फिर 0 पुट करूंगा, फिर कितना पुट करूंगा 0, पाई रह गया जी यहां पे, पाई रह गया, ये पाई आएगा यहां पे, ये पाई भी आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर वाई सी एम, क्योंकि रिजल्ट याद होने की वजह से हमारे को ये याद रह जाता है पाई, हां जी बिल्कुल आ गया जी पार्थ जी पाई, आप ये पार्थ देखता रहता है कहां पे कुछ रह गया, बिल्कुल अच्छी बात है, ऐसे ही देखना चाहिए आपको, ठीक। चलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करता हूं, 4 अपॉन पाई आर स्क्वायर, अपर लिमिट पुट करूं आर क्यूब बाय 3, लोअर लिमिट पुट करने पे 0, तो ये कैंसल आउट हो गया, वाई सी एम विल बी 4r by 3 pi, क्लियर। तो इसका y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, 4r by 3 pi पे। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ये रिंग से बना होता है, छोटी से रिंग के लिए उसका मास निकाला, उसका y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाला 2r by pi पे, 2y by pi पे, फिर उसका इंटीग्रेशन करा 0 से लेके r तक, आपका आंसर आ गया। ये जो आज आपने चीजें सीखी है ना, इंटीग्रेशन से हम सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज कैसे करते हैं, या छोटे छोटे एलिमेंट कैसे उठाते हैं, ये फिजिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको बताऊं, कोई चीज अगर आपसे सॉल्व ना हो रही हो, कोई भी चीज वेरिएबल क्वांटिटी और इंटीग्रेशन से ही करोगे, और मोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ डेरिवेशन इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम विल कम फ्रॉम दिस, मतलब जितने भी रिजल्ट हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ड्राइव करते हैं वो मोस्टली इंटीग्रेशन से होते हैं, क्योंकि सीबीएसई में हम पढ़ते हैं कांस्टेंट चीज के लिए, वहां जाएंगे वेरिएबल चीज के लिए, वहां जाएंगे हम वेरिएबल क्वांटिटीज के लिए। सो ऐसी चीजें आपको मिलने वाली हैं, ये कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आपने इसका सेंटर ऑफ मास निकाला, और भी वेरिएबल मास सिस्टम होंगे उनका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि वेरिएबल मास सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, जिसके साथ हम करेंगे रिमूव मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, क्योंकि देखिए मैं इस टॉपिक पे इतना जोर क्यों लगा रहा हूं, इतने सारे लेक्चर क्यों अपलोड कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास के, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत कुछ आपके एग्जाम में आता है सेंटर ऑफ मास से। सो इसको लेके चलते हैं अभी फिलहाल के लिए, नेक्स्ट लेक्चर में भी यही होगा, रिमूव मास सिस्टम। अगर एक पूरी बॉडी में से या स्फीयर ले लेता हूं, उसके अंदर से एक मास रिमूव कर देता हूं, तो सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट होगा, ये डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से एक बार वीडियो लाइक कर दे अगर जिन्होंने लाइक नहीं करा अभी तक, और चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर न्यू यूजर हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिमूव मास सिस्टम के साथ, थैंक यू सो मच।